हमारे बीच शहर के जाने माने प्रमुख समाजसेवी श्री अटल कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 2 दशकों से जनप्रिय संस्था के द्वारा विभिन्न स्कूलों के छात्रों व शहर की उभरती हुई प्रतिभाओं को जनप्रिय संस्था के द्वारा मंच प्रदान किया है और उनको हुनर दिखाने का अवसर जनपद में ही नहीं अलीगढ़ की मशहूर नुमाइश के कृष्णांजलि व मुक्ताकाश मंच सभी मंचों पर उन बच्चों को प्रतिभा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा काम करते रहे हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका ये सफ़र अब तक का कैसा रहा। अटल कुमार वाज ने जनप्रिय संस्था सचिव जो कि शहर के बड़ी बड़ी जगह हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, नुमाइश में कृष्णांजलि है, मुक्ताकाश मंच है, गगन पब्लिक स्कूल पर और खेरेश्वर मंदिर पर हम लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं। हमारा कार्यक्रम कराने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि अलीगढ़ शहर से प्रतिभाएँ निखर कर आएँ और उनका नाम अधिक से अधिक रोशन हो और ये सारे कार्यक्रमों की जो नींव है हमारे पिताजी ने हमें बचपन में सिखाई कि ऐसे बच्चों को जोड़ना है और ऐसे आगे बढ़ाना है। उन्हीं सीख के अनुसार हम और हमारे परिवार का उद्देश्य पूरा यही रहता है कि हम सब लोग मिलकर शहर की प्रतिभाओं को निखारें और अब अलीगढ़ शहर में नुमाइश शुरू हो रही है 29 जनवरी से और 29 जनवरी के बाद लगभग महीना भर नुमाइश रहती है, तो अधिक से अधिक बच्चों को मंच पर पहुंचाएं और अधिक से अधिक उन लोगों का नाम रोशन हो सके, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी कामना है। शहर के बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शब्दों के साथ उन लोगों को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, नववर्ष करीब है, मकर संक्रांत करीब है और आने वाला जो गणतंत्र दिवस है उस पर लोगों के क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से नववर्ष पर, मकर संक्रांति पर और 26 जनवरी पर उन लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तैयार करें और उन लोगों की खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक मंचों पर पहुंच सकें, तैयारी करें। अभी 1 महीने का समय है और इन सभी पर्वों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये समाज सेवा का जो भाव है ये आपको किन से मिला और आगे आपका क्या विचार है? यह सारी व्यवस्थाएं हमारे पिताजी ने बचपन में संस्कार भारती के माध्यम से दी, उन्होंने अब एक व्यवस्था और शुरू की है, देहदान और नेत्रदान, जो कि 3 जनवरी को हम लोग कैंप लगाएंगे। जो लोग नेत्रदान और देहदान करना चाहते हैं तो अलीगढ़ बजरंग मार्केट अचल रोड पर अपने फार्म के माध्यम से अपने जो जीवन है जो मरने के बाद बेकार हो जाता है, किसी के काम का नहीं रहता, तो हमारा उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक उस मरने के बाद भी उस शरीर का शहर के लोगों को उपयोगी बनाया जा सके, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं उस चीज़ से जुड़ें और उस पर एक्सपेरिमेंट करके लोग बागों की रक्षा कर सकें, जिससे कि उन लोगों के जीवन में अगर कभी कोई परेशानी आए तो उसका निस्तांतरण आराम से हो सके। सर, आगामी जो प्रदर्शनी प्रस्तावित है तो प्रदर्शनी में शहर के जो विभिन्न स्कूलों के छात्र हैं या उभरती प्रतिभाएं हैं उनका क्या कार्यक्रम है, आप किस तरीके से उनको मंच देंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को देशभक्ति है, कुछ फिल्मी गीत भी हो सकते हैं, मना हम किसी से भी नहीं करते, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादातर कार्यक्रम देशभक्ति के ऊपर और भक्ति के ऊपर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि उन लोगों के जो भक्ति और देशभक्ति के कार्यक्रम पब्लिक को देखने में भी अच्छा लगता है। फिल्मी गीत लोगों को अब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो नया है वो नया ही रहेगा, पुराना सदाबहार ही रहेगा। हर व्यक्ति को पुराने गीत और संस्कृति और देशभक्ति के गीतों में आज भी रुचि है और हमेशा रहेगी। तो जनप्रिय संस्था का आगामी कार्यक्रम किस तरीके का होगा? जनप्रिय संस्था का फिलहाल जो कार्यक्रम है मुक्ताकाश मंच पर है और वो 9 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि
जो भी अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग लेना चाहें संपर्क कर सकते हैं अभिनव एम्पोरियम, बजरंग मार्केट, अचल रोड, अलीगढ़, और फ़ोन नंबर है 98 97 92 72 27।